नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल प्रेस करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजमम स्टडी हब। आज हम वार्प के बारे में चर्चा करेंगे और वार्प इंग्लिश के एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप इग्नोर करके ना ही इंग्लिश सीख सकते हो ना ही इंग्लिश लिख सकते हो। हिंदी में वार्प का मतलब है क्रिया और बेसिकली वार्प डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। इसका मतलब है वार्प एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम और उसकी स्थिति बताता है। और बेसिकली वार्प दो प्रकार का होते हैं, एक है मेन वार्प और दूसरा है ऑक्सिलरी वार्प। और ऑक्सिलरी वार्प का ऐसे कई अलग अलग नाम है, जैसे हेल्पिंग वार्प, एनोमलस फिनिट एक्सेट्रा। हम पहले बात करेंगे मेन वार्प की। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि वार्प डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। यहाँ पे दो है, एक्शन मतलब काम और दूसरा है स्टेट मतलब स्थिति या अवस्था। तो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के काम को बताते हैं। जो मेन वर्ब का एग्जांपल है जैसे गो, कम, सी, पेंट, रीड, राइट, डांस, सिंग, टेक, कीप, पुट, पुल, जंप, ओपन, क्लोज, आना जाना, लिखना पढ़ना, नाचना गाना, ये सारे मेन वर्ब है। मतलब कहीं पे भी कुछ भी होता है या कुछ भी करा जाता है तो वो मेन वर्ब के अंदर आते हैं। दुनिया में जितने भी काम हैं सारे मेन वर्ब है। तो आइए आप एग्जांपल से समझते हैं। आई रीड बुक्स, यहाँ पे मेन वर्ब है रीड और जो सब्जेक्ट है आई उसके काम के बारे में बताते हैं। रीड बुक्स मतलब किताबें पढ़ना। अगर मैं सवाल करूं कि कौन किताबें पढ़ रहा है या कौन किताब पढ़ते हैं तो आंसर होगा कि मैं पढ़ रहा हूं, मतलब सब्जेक्ट आई। तो सब्जेक्ट मैं हूं इसीलिए मेरे बारे में बताया जा रहा है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे एलेक्स राइट्स ए लेटर। सो यहां पे राइट है मेन वर्ब और सब्जेक्ट एलेक्स के काम के बारे में बता रहे हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं कि दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं वा वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे वे लोग या वे जो है दे ये सब्जेक्ट है, पहला हिस्सा जो रहता है सेंटेंस के वो सब्जेक्ट है। तो प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं, तो कौन खेल रहा है, वे फुटबॉल खेल रहा है। तो ये वे की काम के बारे में बता रहा है, तो ये है मेन वर्ब। अब हम डिस्कस करेंगे वर्ब के दूसरे टाइप के बारे में जो है ऑक्सिलरी वर्ब। और इंग्लिश में ऐसे 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डस, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू, यूज टू। सो इस ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है, जैसे हमने मेन वर्ब पढ़ा था कि वो सब्जेक्ट की काम के बारे में बताते हैं, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थिति के बारे में बताते हैं, उसकी अवस्था के बारे में बताते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल लाइक जोसेफ इज एन एडवोकेट। सो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है वो है इच। वो जोसेफ के प्रेजेंट स्थिति के बारे में बता रहा है कि जोसेफ प्रेजेंट में क्या है, एक एडवोकेट है। सो नेक्स्ट एग्जांपल है जोसेफ वॉज डूइंग LLB। अब गौर कीजिए कि यहाँ पे दोनों वर्ब है, जैसे ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। यहाँ पे वॉज एक ऑक्सिलरी वर्ब है और डूइंग एक मेन वर्ब है। इस सेंटेंस पे जो है ऑक्सिलरी वर्ब वर्ड्स वो उसकी स्थिति बता रहा है कि वो डूइंग LLB, वो LLB कर रहा था, उसकी स्थिति प्रेजेंट में कर रहा था या पास्ट में कर रहा था। जो वास है वो उसकी स्थिति बता रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहा था, LLB कर रहा था। डूइंग जो मेन वर्ब है उसकी काम को बता रहे हैं। लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, जोसेफ विल स्टडी LLM। यहाँ पे भी सेम है, जोसेफ LLM करेंगे,
या करेगा, तो यहाँ पे भी सेम है, विल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है कि ये भविष्य काल में होगा, इन फ्यूचर में होगा, ये स्थिति है। और काम क्या करेगा, स्टडी करेगा एलएलएम, तो जो काम होगा वो होगा मेन वर्ब, और वो सब्जेक्ट के कामों को बताएंगे मेन वर्ब, और सब्जेक्ट के स्थिति को बताएंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो आज इतना ही, और मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपको मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के डिफरेंस या इस्तेमाल में काफ़ी क्लैरिटी और आइडिया मिला होगा। एंड आई ऑल्सो होप दैट यू विल कीप इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश, एंड ऑल्सो होप दैट वन डे यू विल रीच द लेवल व्हाट यू वॉन्टेड। सो थैंक यू एंड गेट इन टच।